हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की पूजा में विलीन होंगे। तो फिलहाल आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा सारा काम डन हो चुका है, रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुकी है और मिस्टर वर्मा जी भी सो रहे हैं और मेरी चल रही है अभी चाय की तैयारी। चाय, आई लव इट। और आप, आई थिंक आप लोग को भी बहुत पसंद, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाय लवर होंगे, सेम थिंग मेरे साथ भी ऐसी है। तो अब मैं पीने जा रही हूँ चाय, बनाने जा रही हूँ चाय। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे की रूटीन में, बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक कुछ नहीं, तब तक हाँ बताती हूँ फिर आपको। चलो पहले बनाती हूँ चाय। चाय 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 आज ना मेरा गिरने वाला डे है या लगने वाला डे है, और लगनी पक्का है, इतना तो मुझे पता है। टूटती फूटती बिना टूटे फूटे तो कुछ करने ना होता है नहीं। हर दिन का हो गया रूटीन, मतलब एक पार्ट हो गया इसकी लाइफ का। कभी हार्ट ठोको, कभी सर ठोको, बस और कुछ काम ना रह गया। डाल दिया थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, और करते हैं खरी से हो गए मेरे बहुत गैस को, और रख देते हैं पहले में चाय। तो चलो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये गाड़ी वाले बोलने नहीं देंगे तब तक। क्या हुआ? देखो, अरे इस वाले गमले में जो ये वाला है, ठीक है, इसमें फूल लगाया था मैंने, ये कमीने कबूतर ने यहाँ से निकल के यहाँ कुछ ना कुछ करा होगा। इस साइड को रख दो ना। मैंने इसको देखो रखा था ताकि थोड़ा धूप भी मिल जाएगी, अभी थोड़ा है पानी बारिश पड़ रही है, टाइम पे तो सही हो रहा था बारिश के, उससे थोड़ा पानी भी मिल जाता था उसमें। मेरी मेहनत बेकार कर दी यार। राजा अंदर का देखो, ये हैं बिल्कुल तैयार होके खड़ी हैं रील बनाने के लिए। वो भी इतना कौन तैयार होता है भाई रील के लिए? बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई हूँ। चलो, कौन सा वाला कह रहे हो? मैंने कहा आजकल ज्यादा जोक बहुत चल रहा है, कोई भी मिले लड़की लेकिन इंस्टाग्राम पे नाचने वाली ना मिले। यहाँ को, यहाँ को तो ठीक है। रेडी, 3 2 1। ये दूसरा शॉट हो रहा है, पहला वाला खराब हो गया। तो फिलहाल इनकी शूटिंग हो गई है पूरी, अब चलते हैं नीचे। गर्मी बहुत है, बहुत ही तेज़ हो गई भाई, घाम छुप बहुत तेज, बहुत तेज। चल बेटा, तेज घाम हो रहा है। बेटा मन्नू, तुम नशे कौन से करती हो बताओ? तुझसे तुम ऐसे व्रत क्यों रखती हो जैसे हर हर व्रत करवा चौथ का होगा तुम्हारा? तुम्हारा हर व्रत करवा चौथ का होगा, ऐसे व्रत क्यों रखती होगा? सुबह से तुमने बस चाय में ही जिंदगी गुजार रखी है, कुछ खाती की नहीं फल हल? मन क्या होता है? वैसी बहुत मोटी हो तुम, कमजोर हो जाओगी और बड़े वाला क्यों नहीं हो जाओगी ना? फिर जम के। कब जब मन करेगा? इनका अलग ही व्रत होता है, लोग आलू के चिप्स खा रहे, वो खा रहे, ये खा रहे, तुम ऐसी बिना फल खाए भी रह जा रही हो। एक जल, एक बस एक जल और चाय पी जाए। पानी भी तब पी रही हूँ, वो लग रहा था कि वो हो जाएगा, करके गर्मी लग जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि सो के टाइम वे वो कर लो, पास कर लो, उठे ही रहती हो। सोते नहीं है पता आपको व्रत पे? निर्जला होता है, निर्जला निर्जला नहीं था, जल गरम चाय पी रही, निर्जला कहाँ से हो गया। पर व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए कहते, पता है? जो व्रत के दिन सोता है वो जो अग्नि योनि पाता है वो कछुए की पाता है कहते। तो बढ़िया है, लंबा जीता कछुआ। क्या फायदा जीने का? 200-300 साल जीता है कछुआ। वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से परेशान होता ही होगा, भले ही वो जानवर है। इंसान तो बोल देता है कि हाँ आज मैं दुखी हूँ, आज मुझे परेशानी है, ये सब चीज बोल देता है।
बेचारा बोलता होगा अपने परिवार से बोलेगा, तुमसे थोड़ा आके बोलेगा कछुआ। आपने कहा जैसा कि उम्र जिएगा, लंबा जीता है कछुआ। जीता है फिर 350-400 साल जी जाता है। बस हल्का चलता है बस, और क्या होता है। मस्त जिंदगी है, जब जाओ अपने ही अपने घर के अंदर घुस जाओ। हाँ तो वो जा रहे हो ना, इंसानी जीवन जीना बहुत टफ है। तो कछुआ मिल जाए बढ़िया से, फिर मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी भगवान विष्णु का भी वो कछुए वाला रूप था जिन्होंने धरती को वो करा था। अपनी पीठ पे धरती को उठाया था जिसमें। वो धरती को नहीं, वो समुद्र मंथन जो होता है मेरे ख्याल से, उसके नीचे जो पर्वत था उसको उसको। अरे हाँ, समुद्र मंथन वाला कछुआ था ना, तो उसके नीचे उसके बीच में कछुए के ऊपर होता हो, तब जाके वो मंथन हो पाता, अदरवाइज नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा अरे हम भूल गया था। देखो इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या पता तुम भी ऐसी काम आ जाओ किसी से मंथन के। सो जाया करे यार, मंथन है जा लिया मम्मी को कछुआ, मतलब मंथन कर लीजिए वह पुड़ची तो मंथन कर लो किसी जो। चलो बद्दे मार्केट के दर्शन करके आते हैं, शुक्रिया मार्केट ही घूम आते हैं। भड़म होने वाली है, भड़म मिली बच गई। चलो भी चलो, क्या 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 बचता रहता है हिटो पे आप जाए घूमे तो खाया होगा। अभी लगा रहे टेम्पर्ड ग्लास नई फोन में, मैंने कहा नए फोन में टेम्पर ग्लास लगा रही थी, नए फोन में टेम्पर कवर तो मिल नहीं रहा इसका, पुराने फोन में कवर लगाई। गर्मी ऐसी लगी ना पीछे पूरी पीठ पर जलन जलन हो गई, पता है अभी तो चली भी गई। वही तो कहा मैंने, जैसे जाते हैं यहां से। हेलो डोने गई थी कहीं। सो फ्रेंड आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट व्लॉग पे, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ और आई होप कि आप भूलते भी नहीं होंगे। सो और चैनल को हमारे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।